Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping or financial accounting for standard 11th students or beginner in accounts. We are studying rectification of errors, the chapter on rectification of errors, how to rectify an error. और ऊपर से इसका जो कॉन्सेप्ट है वी आर डूइंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट पे अभी करेंगे काम, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. द क्वेश्चन इज पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. तो ये फर्स्ट लाइन है और फर्स्ट पॉइंट है रुपीज 15,000 पेड एज वेजेस. तो पहले फॉर्मेट रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज ऑफ डैश, यहाँ पे बिजनेसमैन का नाम नहीं है. मैं इसको तीन हिस्से में डिवाइड कर लिया. एक में मैं यहां लिखूंगा करेक्ट एंट्री, ये जो जर्नल है इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए. सेकेंड वन इज रॉन्ग एंट्री, क्या गलत हो गया. थर्ड वन इज रेक्टिफाइंग एंट्री, क्या लिखने पर ये रॉन्ग एंट्री को काट के मैंने अगर ये एंट्री लिखूंगा तो इस विल इस एंट्री के साथ कट करके ये दोनों का रिकंसिलिएशन में मेरे मुझे करेक्ट एंट्री मिलेगा. तो सबसे पहले एक छोटा मोटा जर्नल का फॉर्मेट बना देता हूं. जो जर्नल कराऊंगा आपको एग्जामिनेशन में खाली ये रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखना है अपने रजिस्टर में, अपने कॉपी में. तो नंबर पर्टिकुलर्स डिटेल्स ए डेबिट क्रेडिट और तो रूपी सिंबल्स, मैं इसको तीन पार्ट में जैसे डिवाइड कर दिया था. तो जर्नल का छोटा मोटा कॉलम बना लिया जिसके अंदर डेट और पर्टिकुलर्स कॉलम मिसिंग है, वो आप फेयर में जब इसको बनाओगे तब इसको लिख देना डेट और पर्टिकुलर्स, डेट और लेजर फोलियो. तो नाउ द फर्स्ट वन, रुपीज 15,000 पेड एज वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट. वेजेस पे किया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो दिस इज बिल्डिंग टू कैश. करेक्ट एंट्री इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और गलती से उसको कर दिया सैलरीज अकाउंट कैश कर दिया. तो अभी हुआ क्या ना, ये सैलरी कटेगा और बिल्डिंग आएगा. तो मैं अगर सैलरीज को कट कर दूं तो इस जगह पे बिल्डिंग लिख दूं तो मेरा रेक्टिफिकेशन ठीक हो जाएगा. तो व्हाट विल डू देन, तो यहां लिखूंगा सैलरीज अकाउंट डेबिटेड ताकि सैलरी आ जाए, और ये सैलरी है बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड ताकि बिल्डिंग आ जाए, और सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा ताकि सैलरी चला जाए. कोई भी जर्नल एंट्री में डेबिट एंट्री को क्रेडिट में अल्टरनेटिवली लिखने से वो कैंसिल हो जाता है. तो नाउ द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, यानी बिल्डिंग हमें लाना था और सैलरी को काटना था, तो सैलरी गलती से डेबिट हुआ है. सैलरी गलती से डेबिट हुआ था, मैंने इसको कट करने के लिए क्रेडिट कर दिया. ये देखो, ये दोनों एंट्री को रिकंसाइल करूंगा तो आई विल बी गेटिंग बिल्डिंग टू कैश. रॉन्ग एंट्री हो रखा था बुक में, उसको रेक्टिफाई कर दिया मैंने, रेक्टिफिकेशन एंट्री दे दिया. ये दोनों एंट्री का रिकंसिलेशन में जो रिजल्ट निकला, जो रह गया देखो, सैलरी टू कैश, बिल्डिंग टू कैश, तो रह गया बिल्डिंग टू कैश जो हमें चाहिए, ऐसे रेक्टिफाई होता है. हमें करेक्ट एंट्री ये चाहिए था, गलती से ऐसे हो गया, हम इसको रेक्टिफाई कर लिए. तो रॉन्ग एंट्री के साथ रेक्टिफाइंग एंट्री को क्रॉस मैच कराने में करेक्ट एंट्री निकलना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट होता है रुपीज 20,000 स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. हमने मटेरियल खरीदा बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये होगा बिल्डिंग टू कैश, नॉट मटेरियल टू कैश. अनल बहुत बढ़िया आना चाहिए प्लीज. तो ये होता है बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो जो मटेरियल हमने खरीदा वो बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदा, तो ये मटेरियल्स अकाउंट डेबिटेड या परचेज अकाउंट होगा नहीं, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. और ऊपर से हम इसको जो डाला है, तो इसको हमने जो डाला है उसको नॉर्मल परचेज डाल दिया, तो हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हमने कर दिया. बट एक्चुअली हुआ क्या है ना, हमारा आएगा एंट्री बिल्डिंग टू कैश, आ गया है परचेजेस टू कैश. तो इस जगह पे परचेजेस को काट के अगर हम बिल्डिंग लिख दें, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 20,000, तो हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा.
बट वो परचेजेस को काटने के लिए परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे. तो नाउ यू कैन सी द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. तो ये यानी ये दोनों एंट्री को अगर कंपेयर करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए इस दोनों एंट्री को कंपेयर कराऊंगा. दिस इज टू बी कंपेयर्ड, दैट इज परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है था तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे. दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड. डेबिट क्रेडिट हो गया कैंसिल, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट कैंसिल हो गया. तो रहेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जो कि आपकी करेक्ट एंट्री. इसको रिकनसाइल दोनों के करने में ये आ जाएगा. बट एग्जाम से खाली आप यही एंट्री लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, और इसका जो फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट करके बढ़िया करके बनाना है. ये करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री खाली मेरा आपको समझाने के लिए. आप भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हो पेपर में, बट उसको आप वर्कशीट में दिखाओ, वर्किंग नोट्स में. देन थर्ड वन, थर्ड वन होता है 50,000 ऑन द इरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट. एक्चुअली बिल्डिंग इरेक्ट कराया यानी बिल्डिंग बनाया, एडिशन करवाया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश. बट ये हो गया बिल्डिंग रिपेयर्स या रिपेयर, ये गलती से हो गया रिपेयर्स डेबिटेड टू कैश. मतलब करेक्ट एंट्री ऐसा होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री ऐसे हो गया. अगर हम बिल्डिंग को ले आएंगे, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिपेयर अकाउंट को हटा देंगे, इसी जगह पे बिल्डिंग अकाउंट लिख देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा बिल्डिंग टू कैश. बट हमारा अकाउंट्स अलाउ नहीं करता कि कोई भी चीज एक बार लिखो और उसको काटो. आपको इस एंट्री को नलीफाई करने के लिए, ये रॉन्ग एंट्री को नलीफाई करने के लिए और करेक्ट एंट्री लाने के लिए और एक एंट्री यहां देना होगा. इसमें हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे. बिल्डिंग को अगर डेबिट कर देंगे तो बिल्डिंग आ जाएगा, रिपेयर गलती से डेबिट हो रखा है उसको अगर टू रिपेयर्स कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो नाउ सी हाउ इट विल बी रेक्टिफाइड, इट विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रिपेयर्स अकाउंट. ये हुआ कैसे ना, आप ये दोनों एंट्री के बीच में रिकनसिलिएशन करिए, ये एंट्री और एक हो गया आपके, मतलब रॉन्ग एंट्री के साथ रेक्टिफिकेशन एंट्री, रॉन्ग हो रखा है उसको रेक्टिफाई करेंगे. तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड को कैंसिल करने के लिए रिपेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा टू रिपेयर्स अकाउंट. डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, रह गया बिल्डिंग टू कैश जो हमें चाहिए. तो एग्जाम में आप खाली यही वाला एंट्री पास करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर्स. नाउ दिस विल अपीयर बाकी दोनों रॉफ में. फोर्थ वन में आपके है ₹10,000 paid as repairing charges on the reconditioning of a newly purchased second-hand machinery debited to general expense account. Second-hand machine को repair करवाने के लिए कुछ भी खर्चा करो, कुछ भी, that will be debited to that account only. इसमें देखो ₹25,000 मैंने गलत पढ़ लिया और कोई account में देख लिया. अभी now ये वाला fourth, this is not repair. This is fourth one, ₹25,000 spent on whitewash of a newly purchased building charge to building repairs account. हमने नया बिल्डिंग खरीद के उसको व्हाइट वॉश कराया, तो नए बिल्डिंग खरीद के व्हाइट वॉश कराने में जितने खर्चा होता है रिपेयर रिन्यूअल वगैरह, वो सब डेबिट होगा बिल्डिंग अकाउंट को. बिल्डिंग टू कैश गलती से हो गया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो गया. तभी बिल्डिंग आएगा और बिल्डिंग रिपेयर्स जाएगा, तो जाएगा तो इसको क्रेडिट कर देंगे. तो लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट. तो बिल्डिंग डेबिट आ गया और बिल्डिंग रिपेयर्स डेबिट हुआ था, उसको कैंसिल करने के लिए ये बिल्डिंग रिपेयर्स को क्रेडिट कर देंगे. डेबिट क्रेडिट कट हो गया, आएगा बिल्डिंग टू कैश. दिस इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. देन इसके बाद फिफ्थ होगा,
Rupees 1000 paid as installation charges for a newly purchased second hand machinery posted to cartage account. Rupees 1000 paid as installation charges for a newly purchased second hand machinery. So newly purchased second hand machinery posted to cartage account. So newly purchased second hand machine ka कुछ भी खर्चा होता है, रिपेयर, रिन्यूअल, कार्टेज, इंस्टॉलेशन, सब हो जाएगा मशीनरी अकाउंट कैश अकाउंट, कार्टेज नहीं होगा, मशीनरी टू कैश। ये गलती से इसको डेबिट कर दिया और चार्ज टू कार्टेज अकाउंट, वो गलती से हमने लिख दिया कार्टेज टू कैश। ये गलती से ये रॉन्ग एंट्री हो गया कार्टेज टू कैश, तो मशीनरी लाएंगे और कार्टेज को काट देंगे, तो मशीनरी डेबिटेड टू कार्टेज, कार्टेज को कैंसिल करने के लिए कार्टेज को क्रेडिट कर देंगे टू कार्टेज, मशीनरी लाने के लिए मशीन को डेबिट कर देंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट। ये हमारा रेक्टिफिकेशन में हमारे पेपर में हम मेन पेपर में लिखेंगे, फेयर नोट में, रॉफ में ये दोनों दिखा सकते हैं, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री। सिक्स्थ है रुपीज 10,000 paid as repair charges on the reconditioning of a newly purchased second-hand machinery debited to general expenses account. Newly purchased machinery. Machinery to cash. Newly purchased. Newly purchased जो हमने 10,000 रुपए पे कर रहे हैं और वो भी sixth entry में repairing charge पे कर रहे हैं newly purchased second-hand machine, चाहे पुराना हो, बहुत पुराना हो, कम पुराना हो, सेकेंड हैंड होता है, उसको नया खरीद के उसके ऊपर जो हम रिकंडीशनिंग का अमाउंट पे कर रहे हैं तो रिपेयरिंग चार्जेस, तो दैट इज मशीनरी टू कैश। हमने गलती से लिख दिया रिपेयर्स टू कैश, वी रोट जनरल एक्सपेंसेस टू कैश, चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, तो मशीनरी आएगा, जनरल एक्सपेंसेस जाएगा, तो जाएगा तो मशीनरी को लाने के लिए डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट में है, और जनरल एक्सपेंसेस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो टू जनरल एक्सपेंसेस, देन दिस विल बी रेक्टिफाइड। ये दोनों में हम क्या करेंगे ना, कंपेयर कर देंगे, तो हमारा नॉर्मल एंट्री जो करेक्ट एंट्री वो आना चाहिए। हाउ कम दैट विल कम, इट इज जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिटेड, ये गया, कट हो गया, तो रह गया मशीनरी टू कैश जो हमें चाहिए, बट एग्जाम में हम लिखेंगे मशीनरी टू जनरल एक्सपेंसेस। सेवेंथ वन, सातवां होता है रुपीज 5000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस अपन एग्जिस्टिंग मशीन इज यूज इन यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, तो रिपेयरिंग चार्ज है तो हम उसको करेंगे रिपेयर्स टू कैश, बट वो गलती से क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन जो कि ऑलरेडी यूज हो रहा है उसका रिपेयर है, उसको हमने कर दिया मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5000, तो हमारा आएगा रिपेयर्स, जाएगा मशीनरी, तो रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो रिपेयर को डेबिट कर देंगे, मशीन को क्रेडिट कर देंगे, तो मशीनरी डेबिट मशीनरी क्रेडिट, तो होगा रिपेयर्स टू कैश, रिपेयर्स टू कैश। देन एइथ वन, आठवां होता है आपके, ये देखो ध्यान से देखो, एइथ वन रुपीज 10,000 पेड बाई चेक पर ए प्रिंटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, तो प्रिंटर खरीदा, तो प्रिंटर टू बैंक खरीदा, वो गलती से चार्ज हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस टू बैंक, गलती से, तो प्रिंटर आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस आएगा, प्रिंटर डेबिटेड कर देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस क्रेडिटेड कर देंगे, बैंक बिल्कुल करेक्ट है, तो अगर ऑफिस एक्सपेंसेस को कैंसिल करने के लिए उसको यहाँ क्रेडिट कर देंगे, प्रिंटर को लाने के लिए डेबिट में दोबारा डेबिट कर देंगे, दैट इज प्रिंटर अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। नाउ सी द इफेक्ट, नेट इफेक्ट एंट्री, ये दोनों में आप क्रॉस मैच कराओ, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, कैंसिल हो गया, रह गया प्रिंटर टू बैंक जो कि हमें चाहिए,
बट आप जब एग्जामिनेशन में लिखोगे यू विल बी राइटिंग प्रिंटर अकाउंट डेबिटेड टू ऑफिस एक्स मच अकाउंट, वो भी बढ़िया जर्नल में डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट करके करोगे, ऐसे नहीं करोगे. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर एंड यू शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद ऑल द जर्नल. अगर मैंने आपको अच्छा समझाया लगता है आपको तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए ताकि अच्छे नंबर आए.